करतारपुर रदारी 9 नवंबर को खोल देंगे, वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। सिख बरादरी के लिए अपने दरवाजा खोलने जा रहे हैं करतारपुर, सिख बरादरी के लिए सबसे बड़ा मजहबी मरकज साबित होगा। मंसूबा मुकामी माशियत और मुल्क के लिए जर मुबादला का जरिया भी होगा। वक्त आ गया है दुनिया पाकिस्तान को ज्यादा इज्जत और एहतराम दे। पाकिस्तान में अमन बहाल हो चुका, जोनाथन ड्यूट का मारूफ मैगजीन में इजहार ख्याल। शाही जोड़े के दौरे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत बेहतर नजर आई, अमन के बहाली का सेहरा आर्मी चीफ को जाता है, बरतानवी साबिक फौज अफसर। आज़ादी मार्च की तारीख करीब आते ही मुलाकातें भरने लगी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम रात 8 बजे अब्दुल गफूर हैदरी से मिलेंगी। चेयरमैन सनेत और अब्दुल गफूर हैदरी का डेड लॉक खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। परवेज कटक के साथ सादिक संजरानी भी वफद का हिस्सा होंगे। रहमान JUI का कहना है, देखते हैं सादिक संजरानी क्या नई तजावीज लाते हैं। पहले हरासगी का गलत इल्ज़ाम, फिर कॉलेज इंतजामिया बेहसी लेक्चरर की जान ले गई। तालबा के हरासी इल्ज़ाम की इंक्वायरी रिपोर्ट में बेगुनाही के बावजूद सर्टिफिकेट क्यों जारी ना हुआ? तालबा और साथियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की गई? क्या लेक्चरर अफजल महमूद MA और कॉलेज इंतजामिया की किसी साजिश का शिकार हुए? सवालात उठने लगे। आवाम का मौत के असल हकाइक के सामने लाने का मुतालबा। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके रफ़का की अजीम कुर्बानियों को सलाम। शहदाए करबला का चहलम, मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस, लाहौर और क्वेटा में जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा। कराची में मरकजी जुलूस कुछ देर बाद निकलेगा, रास्ते को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। डबल सवारी पर पाबंदियाँ, मखसूस मकाम पर मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श के उर्स का आखिरी रोज़ा। लाहौर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की हाजिरी फातिहा खानी की। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंदों की उर्स में शिरकत। दरबार पर दरूद सलाम की मुखालिफ जायरीन में दूध और लंगर की तकसीम। मुल्क भर में डेंगू की वार जारी, दर्जनों ने केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 140 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। फैसलाबाद में डेंगू वायरस के शिकार मजीद 5 मरीज सामने आ गए।